यूपी के बरेली में बलात्कार पीड़ित लड़की की पैरवी करने वाले वकील को धमकाने वाली और अपने आप को भाजपा नेता बताने वाली महिला और उसके साथियों को हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और जमानत देने के विरोध में आज बरेली बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकीलों ने कलेक्ट्रेट के सामने हंगामा किया। उसके बाद कचहरी चौराहे पर वकीलों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। गुस्साए वकीलों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने वकील और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देने वाली महिला और उसके दबंगों के विरुद्ध हल्के में मुकदमा दर्ज किया है। मेरा नाम मध्यम सक्सेना है। मेरे पिताजी वादी की तरफ से 376 और पॉक्सो में सीएम पोर्टल पे दरखास्त डाली थी। मुलजिमान लोग भाजपा के मीडिया प्रभारी अपने आप को बता रही थी, राजरानी लोधी करके है वो, कैबिनेट मंत्री जी के नाम का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर अधिवक्ताओं की टेरिटरी में बिस्तर में घुस के पॉलिटिक्स का मिसयूज करके हमको सिखा रही है कि कानून कैसे चलेगा। वो अपना कार्ड बड़े स्टाइल में एक माइनर लड़की का रेप हुआ है उससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए प्रेशराइज कर रही थी, और जिसमें बीजेपी भी बदनाम हो रही है। भाई हम भी वोटर हैं, वकील के साथ साथ हम लोग भी वोटर हैं, लेकिन हम पहले एडवोकेट हैं। पॉलिटिशियन हमको नहीं सिखाएंगे कि वकालत कैसे होती है, राजनीति हमको नहीं सिखाएगी कि लॉ की धाराएं क्या होती है। बस इतना कहना चाहेंगे, राजनीति ये जान ले कि वो किसी वकील को ये नहीं बताएगी कि संविधान में आर्टिकल कितने होते हैं, कैसे होते हैं। राजनीति ये ज्ञान नहीं देगी कि वकील किन धाराओं में क्या काम करेगा। राजनीति अपना काम सदन में करे, न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए राजनीति उत्तराइज नहीं। हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता की सीट पर कुछ अराजक तत्व जबरदस्ती दबाव बनाने, मुकदमे का फैसला कराने के लिए आए। जब हमारे अधिवक्ता उनके पुत्र द्वारा मना किया गया तो हाथापाई पे उतारू हो गए। 1,00,000 रुपए रंगदारी मांगी, ना मांगे देने पर जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज की, ये सारी बातें मुख्य हैं। ये कुछ राजनीतिक लोगों के छोड़े हुए गुर्गे हैं जो दलाली करते हैं। किस पार्टी के हैं ये? आपने आपको भाजपा की जिला मीडिया प्रभारी बता रही थी। हम ये इसलिए नहीं बता सकते हैं कि वहाँ किस पार्टी से हैं, किससे संबंध है, जब तक हम पे नहीं होगा। अपने आप को हर आदमी भाजपा का बताता है। आपके अधिवक्ता के साथ में क्या बदसलूकी करी? बदसलूकी करी, उसका बैंड फाड़ा, 1,00,000 रुपए की रंगदारी मांगी, हाथापाई की, और अधिवक्ताओं द्वारा जब बीच बचाव करा गया तो उनसे भी हाथापाई करी। उसके साथ 5-6 अज्ञात लोग थे जो तमंचों से लैस थे, उसमें दो को पकड़ लिया गया, दो को पकड़ ले जाके थाने ले जाया गया। थाने में अधिवक्ताओं के साथ अधिवक्ता पूर्ण बर्ताव नहीं किया गया। यह हमारी पुलिस प्रशासन से, जाति पुलिस प्रशासन जो कर रही है, अधिवक्ता भगवान का भी है, अधिवक्ता DM का भी है, अधिवक्ता कमिश्नर का भी है, अधिवक्ता जज का भी है, अधिवक्ता प्राइम मिनिस्टर का भी है, अधिवक्ता प्रेसिडेंट का भी है, और अधिवक्ताओं के साथ अगर ये बर्ताव इस तरह का होगा तो बरेली बार इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग उसमें झुकेंगे नहीं। हमारा मुख्य मांग है कि जिसे छोड़ दिया गया इस व्यक्ति को चालान किया जाए, ऐसे उसे जेल भेजा जाए, हमारी मुख्य मांग है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।